जय माता दी। ये कठुआ वासियों की तरफ से 32वां विशाल भंडारा है जो सुकराला माता की ओर यात्रा जा रही है। आई यात्रा यहाँ से रवाना होगी और उसके पश्चात कल वहाँ पे भंडारा होगा। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। आशा है कि सब स्वस्थ रहें। जय माता दी। 32 साल भंडारा करते हैं माँ सुकराला के नाम पे। तो भाई सभी कठुआ वासियों की तरफ से सभी से प्यार से सभी जाते हैं, प्यार से सभी आते हैं। तो कल भंडारा है, हर वर्ष की तरह चलता रहेगा माता रानी की कृपा से। जी बताएंगे आज आप कहाँ जा रहे हो और क्या कार्यक्रम है सारा? हर वर्ष की तरह जय माता की, हर वर्ष की तरह हमारा ये लंगर माता सुकराला जी के उधर लगता है। 32 साल हो गए इसको रेगुलर चलाते हुए और ये हर साल माता की कृपा से चल रहा है। हम यही माता की हर हर दिशा आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर बना हुआ कि जिस 32 साल से हम इसको चला रहे हैं आगे भी ये रेगुलर चलता रहे। कितने यात्री जो है सुकराला माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं बस में? वे कम से कम भी एक बस से ज़्यादा ही होंगे। हर वर्ष की तरह हर बार एक बस जाती ही जाती है हमारी ओर से और हम 2-3 दिन उधर लंगर लगाते हैं। और हमारे टिनी अंकल जी है जो वो इस सेवा में सबसे आगे रहते हैं और उन्हीं के योगदान से ये सारी लंगर प्रत्या जो भी जहाँ की सुविधा है वो हर साल टिनी अंकल करवाते हैं और उनकी दया से बस वगैरह सब कुछ जा रही है। ये निशुल्क बस सेवा है? बिल्कुल, अपनी मर्जी से हर आदमी जा सकता है। हमने हर बार ये बस लगाई होती है सुविधा के लिए, जो जाना चाहता है, जो माता का अच्छा भक्त है और उनसे माता के प्यार और प्रेम है जिनका माता के साथ, वो हर साल जाते हैं। जरकारा माँ शेरा वालिदा।